नमस्कार, मैं शेफ आशुतोष बिष्ट, एग्जीक्यूटिव शेफ क्राउन प्लाजा न्यू दिल्ली ओखला से। आज हम बनाएंगे स्टफ पास्ता और रिपब्लिक डे राउंड दी कॉर्नर है, सो इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। इसको हम बनाएंगे ट्राई कलर में, सो बिगिन करते हैं अपना स्टफ पास्ता इन ट्राई कलर। अब हम पास्ता डो सबसे पहले बनाएंगे। अपनी रेसिपी के लिए हम तीन अलग अलग डो बनाएंगे, तीन कलर के। सो सबसे पहले प्लेन डो बनाते हैं। हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं कलर देने के लिए। ऑरेंज कलर हम देंगे कैप्सिकम से। हम आगे रेसिपी में दिखाएंगे आपको कैसे यूज़ करना है। स्पिनच हमने यूज़ किया है ग्रीन के लिए, ये कैसे बनेगा ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन डो से। 150 ग्राम फ्लार लिया है हमने, आप नॉर्मल फ्लार भी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा ग्लूटेन, अच्छी क्वांटिटी ग्लूटेन वाला फ्लावर मिल जाता है सो दैट इज़ बेस्ट फॉर योर पास्ता। सेम 150 ग्राम सूजी यूज़ करेंगे, सेमोलिना। सीजनिंग के लिए सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़ा क्रश पेपर। हमने ये अच्छे से अपने सेमोलिना फ्लावर को मिक्स कर लिया है। 8 एग योक्स हम इसमें डालेंगे, प्लस होल एग्स भी जाएंगे इसमें और लगेंगे, वो हम देखेंगे कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे। सो आप इसको मिक्स कर लीजिए। एक एक हम तोड़ लेते हैं, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सिर्फ उतना ही चाहिए होगा जो हमारे पूरे डो को एक बाइंडिंग दे दे। ये हमारा डो बन के रेडी है। अब इसको हमें रेस्टिंग के लिए रखना है। आप इसको एक क्लिंग रैप से कवर करके रखिए, या एक अच्छा सा डस्टर ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए जो साफ़ सुथरा कपड़ा है, और इससे इसको कवर करके हम इसको साइड में रख देंगे। 150 ग्राम सेमोलिना, 150 ग्राम फ्लावर, सॉल्ट, फ्रेश ब्लैक पेपर बहुत अच्छा रहता है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एक करके हम इसमें योग डालेंगे। हमारा डो बनके तैयार हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ता की स्टफिंग बनाना। आप अपने हिसाब से, आप जैसा बटर खाते हैं, जितना रिचनेस आपको चाहिए अपने फ्लेवर्स में उतना आप बटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा चॉप गार्लिक, गार्लिक आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अनियन, ट्रांसलूसेंट होने तक इसको अच्छे से पका लें। बटन मशरूम डाला है, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं जैसे हमने किया है, इसका पेस्ट भी बना सकते हो। 3 स्पून शिताके मशरूम यूज़ करें हैं एंड 3 स्पून पोचनी मशरूम यूज़ किया है। इसमें हम थोड़ा थाइम डालते हैं, फ्रेश थाइम। स्टॉक डालेंगे, ये हमने वेज स्टॉक बनाया है, आप सबको पता ही है वेज स्टॉक कैसे बनाते हैं। हल्की सी सीजनिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी। फ्रेश क्रश पेपर, थोड़ा बटर इसमें और ऐड किया है रिचनेस के लिए। तो हम इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये आपका आराम से 5 to 10 मिनट्स और लेगा पकने के में। तो सबसे पहले हम अपना सैफ्रन कलर जो है और ऑरेंज कलर जो हमने डो बनाया है उसको यूज़ करेंगे। इसको फ्लैटन कर लेते हैं। ये हमारी पास्ता मशीन है, इसके थ्रू रोलिंग होगी, शीटिंग होगी और नीडिंग में भी प्रोसेस करेगा। अब स्टार्ट करेंगे हम तीनों को मिक्स करना। हमारी स्टेप्स हो गई, अब हम इन्हें मिक्सिंग करेंगे। सो आपको कुछ नहीं करना, एक के ऊपर एक आप रखते जाइए।
लेते हैं थोड़ा ताकि आपस में चिपक जाए। सो ये हमारी शीट रेडी है, तो आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट कलर्स की मेहनत ये रंग लेकर आई है। सो अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। सो आई विल डू लाइक हाफ साइड में अपने ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी मशरूम की स्टफिंग, ये इसमें डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है जो पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ हम इसमें डालेंगे। ये हमारा स्टफ पास्ता बन गया। अब हम फिनिशिंग टच में आएंगे, उसका सॉस प्रिपेयर करेंगे, अपने पास्ता को कुकिंग के लिए डालेंगे और दोनों सॉस और पास्ता को मिक्स करेंगे। तो चलिए आइए फिनिश करते हैं अपनी डिश को। हमारा ब्लांचर बॉइलिंग में है, पानी बॉइलिंग में है। इसमें सॉल्ट डाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ता में आप ब्लांचिंग में आप सॉल्ट डाल लें, तो सॉल्टेड वाटर होना चाहिए। सो जब तक पास्ता कुक हो रहा है सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें क्रीम डालेंगे, वेज स्टॉक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। पास्ता हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। इसकी गार्निश में आप फ्रेश बेसिल लीव्स ले सकते हैं, थोड़ा फ्लावर्स, चीज, तो इसको एक और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे पोर्चनी डस्ट। इसी के साथ ये आप देख रहे हैं ये एक स्मोक गन है, इसमें चर्मल वुड यूज़ कर रहे हैं। सो ये इसका फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आपकी डिश को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा।